Hello students, today through this video I would like to tell you how to solve the reading passes smartly in the reading test. तो यहाँ पे हम टेक्निक फॉलो करेंगे RUP method. ये टेक्निक मैंने बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस किया है. R means read the questions first of a particular passage. U means underline the keywords and understand the demand. P for passage reading. तो आज हम इसे एक passage को बहुत smartly इसी technique को use करते हुए solve करेंगे. सबसे पहले हम questions को read कर लेते हैं. Questions किसके regarding है? Passage का title है the life cycle of a star. यहाँ पे क्या किया हुआ है, different stages है, type of stars है जो mention किए गए हैं reading passage one में. हमें choose करना है एक type को stage A से H तक. ये हमारे पास stage A से लेके H तक given है. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, match करना है इनको इनके descriptions के साथ. You may use any answer more than once. हम इनमें से एक को, एक से ज़्यादा बार फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं और स्टार को भी. सन, बर्थ प्लेस ऑफ अ स्टार, अ डाइंग स्टार, समटाइम्स हैज पुलसेटिंग वेव्स, इट्स साइज इज इमेजरेबल, इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी हैज़ रन आउट. देन यहाँ पे क्या है, हमारे पास फिलअप्स हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग नो मोर देन थ्री वर्ड. तो क्या है, फिलअप्स रहेंगे. हाइड्रोजन विल टर्न इनटू हीलियम आफ्टर डैश अकर, किस चीज़ के अकर होने के बाद वो ऐसा हो जाता है. द कलर ऑफ रेड जॉइंट इज फॉर्म्ड एज द, जो कलर है रेड जॉइंट का वो फॉर्म हो जाता है एज बिकम स्मॉलर एंड आउटर एरिया कूल. एट इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो स्टार्स है हीलियम एटम्स फ्यूज हो जाते हैं कार्बन एटम्स में एंड देन द स्टार. फिर स्टार के साथ क्या होता है, अनलाइक स्मॉल एंड मीडियम साइज स्टार्स, लार्ज स्टार्स क्या होते हैं, क्विकली अ ब्लैक होल डैश स्टॉप्स लाइट फ्रॉम बीइंग इमिटेड. ब्लैक होल क्या करता है, डैश यहाँ पे कुछ हमें फिल करना है जो स्टॉप करेगा लाइट को एमिट होने से, एस्केप होने से. एस्ट्रोनॉमर्स न्यू अबाउट, एस्ट्रोनॉमर्स जानते थे किस चीज़ के बारे में, बिफोर दे वर अनेबल टू कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस, इससे पहले वो उनके एग्जिस्टेंस को कन्फर्म करते. प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर लाइकली टू कंसिस्ट ऑफ, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, जो एक्सप्लोर होते हैं सेलेस्टियल बॉडी से. मूविंग टू द पैसेज, इट हैज़ बिन कंजर्वेटली एस्टिमेटेड दैट देयर आर सम 10,000 billion stars in the universe. It is difficult to know the exact age of these stars. Astronomers have identified stars as young as 25,000 years old and others are thought to be over 10 billion years old. But what astronomers do know is that there are many different kinds. How each star is formed and its mass influences its type and longevity. A star is born in a nebula. A star is born in a nebula. जो स्टार है ये बॉर्न होता है नेबुला में, which is giant cloud of gas and dust. जो क्या होता है, एक giant dust होता है, cloud किसका, giant cloud होता है gas और dust का. तो यहाँ से मेरा question number 2 RUP method से solve हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है birth place of star. तो birth place of star क्या है, nebula. तो second के लिए मैं जो mark करने जा रही हूँ A, it's nebula A. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द RUP मेथड. कई बार बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और पैसेज पर स्विच कर लेते हैं और वो फर्स्ट क्वेश्चन को ही ढूंढते रहते हैं और उन्हें वो फर्स्ट क्वेश्चन की जो लोकेशन है वो बहुत देर बाद मिलती है, तो उन्हें लगता है कि रीडिंग जो है टफ है. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू डू रीडिंग विद RUP मेथड, क्योंकि इसमें आपको जंबल लोकेशंस भी होती है. ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी जो लोकेशंस हैं आंसर की वो सिक्वेंशली मिले. सो दिस मेथड विल हेल्प यू टू सॉल्व द रीडिंग स्मार्टली. नेक्स्ट क्या है, द लार्जर द अमाउंट ऑफ द मैटर दैट इट इज नेबुला, द ग्रेटर द मास ऑफ द स्टार दैट इज क्रिएटेड. इनसाइड दिस नेबुलेस आर डेंस एरियाज ऑफ गैस विच आर ड्यू टू डेंसिटी हैव अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल दैन द रेस्ट ऑफ द नेबुला. ग्रेजुअली ग्रेविटी ड्रैग्स द गैस इन द नेबुला टुगेदर एंड इट बिगिन्स टू स्पिन एंड बिकम इंक्रीजिंगली हॉटर. वंस द टेम्परेचर रीचेज, जो इतने जब टेम्परेचर एक बार इतने लेवल पे पहुंच जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स होता है किसमें, सेंटर ऑफ क्लाउड में, एंड इट बिगिन्स टू ग्लो ब्राइटली. और वो क्या करता है, ब्राइटली ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. इट स्टेबलाइजेज एट दिस टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली एंड बिकम्स वट इट इज़ नोन एज द मेन सीक्वेंस ऑफ द स्टार. मेन सीक्वेंस ऑफ द स्टार होता है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आर ओन सन. तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टार स्टार्ट होता है यहाँ पे, उसको क्या कहा जाता है, सन कहा जाता है. यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व हो गया है. अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो दो सन क्या है हमारा यहाँ पे, इसके लिए हम आंसर मार्क करेंगे बी, मेन सीक्वेंस स्टार. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर मार्क हो रहा है दैट इज बी. आगे रीड करते हैं, एज इट ग्लोज हाइड्रोजन इन द सेंटर थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन बिकम्स हीलियम. तो क्या होता है, ग्लो होना स्टार्ट होता है जो हाइड्रोजन है सेंटर में, जब क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन आ जाता है उसमें, तो वो क्या बन जाता है, हीलियम बन जाता है. तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व हुआ है मेरा, यहाँ से सेवन्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है RUP मेथड से, यू कैन चेक. तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन. हाइड्रोजन किस में टर्न हो जाएगा, हीलियम में, किसके होने के बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन. तो यहाँ पे हम क्या आंसर लगाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन. इट्स NUCLEARFUSION. तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन.
Eventually, the hydrogen supply in the core diminishes and the core of the star becomes unstable, contracting more. However, the outer part of the star, which is still mainly hydrogen, expand and cool, and is doing so, the star starts to glow red. तो आगे ये क्या कह रहे हैं कि जो core है वो diminishes हो जाता है, जो core of the star है become unstable हो जाता है. तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो, जो सप्लाई है हाइड्रोजन की, सप्लाई कहाँ चली जाती है, कोर में, जो डिमिनिश हो जाता है, कोर ऑफ द स्टार बिकम अनस्टेबल, वो अनस्टेबल हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है मोर. क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ से सॉल्व हो रहा है. द कलर ऑफ द रेड जायंट इज फॉर्म्ड एज द कोर बिकम स्मॉलर एंड द आउटर एरिया कूल. तो यहाँ पे आउटर एरिया के एक्सपैंड कूल होने की बात हो रही है और रेड होने की बात हो रही है. किसकी वजह से हो रही है, कोर की वजह से हो रही है. तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे यहाँ से ब्यूटीफुली सॉल्व हो गए. क्वेश्चन 8 के लिए जो मैं आंसर मार्क करूँगी, दैट इज कोर, CORE. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द RUP मैथ स्टूडेंट. यू कैन रियलाइज कि सबसे पहले सेकेंड सॉल्व हुआ, फिर फर्स्ट, फिर सेवन्थ, फिर एट्थ. तो इतने से पैराग्राफ में आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. इट इज़ एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे आके स्टार बिकम्स अ रेड जायंट. वो क्या बन जाता है, रेड जायंट बन जाता है. इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट इट विल टेक द सन अनदर 5 बिलियन ईयर्स टू रीच दिस स्टेज. ऐसा लगता है कि जो सन है उसको अदर 5 बिलियन ईयर लगेंगे इस स्टेज पे आने के लिए. बाय देन इट विल हैव ग्रोन लार्ज एनफ टू एनगल्फ द 3 क्लोजेस्ट प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस एंड अर्थ, एंड ग्लो 2000 टाइम्स ब्राइटर दैन इट्स करंटली डज. Exactly how a star will react in the red giant phase depends on its mass. Throughout the red giant phase, the hydrogen in the outer part carries on burning and the center gets hotter and hotter. On reaching this temperature, इस temperature पे पहुँच के क्या होता है, on reaching this temperature, the helium atoms fuse carbon atoms, the remainder of the hydrogen explodes and form a ring around the core called a planetary nebula. यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इस टेम्परेचर पे आने से एटम फ्यूज़ हो जाते हैं, कार्बन एटम्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, फॉर्म करते हैं एक रिंग को. ठीक है, रिंग को फॉर्म करने से जो कोर है वो क्या हो जाते हैं, प्लैनेटरी नेबुला में जा जाते हैं. विद द मीडियम साइज स्टार्स, वंस द फाइनल हीलियम एटम हैव फ्यूज्ड विद द कार्बन एटम, द स्टार्स स्टार्ट्स टू डाई. तो ये लोकेशन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू होगी. आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे ऐसे सॉल्व हुआ है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे बात की गई है. हाइड्रोजन एक्सप्लोड हो रहे हैं, कार्बन एटम फ्यूज हो रहे हैं. जब ये सारी हीलियम हमारे फ्यूज हो जाएंगे तो स्टार क्या करने लग जाएंगे, स्टार्ट्स टू डाई. तो आपने यहाँ पे स्ट्रक नहीं होना है, आपने आगे तक रीड करना है फॉर द श्योरिटी ऑफ योर आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, स्टार्स का क्या रहेगा, स्टार्ट्स टू डाई. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है, स्टार्ट्स टू डाई. द ग्रेविटेशनल पुल लीड्स टू द लास्ट ऑफ द स्टार्स मैटर कोलैप्सिंग इनवर्ड्स एंड कॉम्पैक्टिंग टू बिकम एक्सट्रीमली डेंस. अ स्टार लाइक दिस इज कॉल्ड वाइट ड्वार्फ. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या करता है, लास्ट करता है स्टार के मैटर को, कोलैप्स करता है इनवर्ड्स और कंपैक्ट करता है उसको एक्सट्रीमली डेंस को. तो क्या होता है, इस तरह के स्टार को किस नाम से जाना जाता है, वाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया है. डाइंग स्टार था, यहाँ पे स्टार डाई होने लग गया. इस तरह के स्टार को क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है, एक्सट्रीमली डेंस हो जाता है और फिर उसको किस नाम से जाना जाता है, वाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइंग स्टार इज नोन एज अ वाइट ड्वार्फ. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा. डाइंग स्टार के लिए हम क्या लिखेंगे, वाइट ड्वार्फ. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने थोड़ा अलर्ट रहना है, आपको यहाँ पे एस्ट नेम्स नहीं लिखने, सिर्फ आपको लेटर्स के साथ हाईलाइट करना है. इट विल शाइन वाइट हॉट अंटिल द रिमेनिंग एनर्जी, थर्मल एनर्जी ट्रैप्ड इन इट्स इंटीरियर हैज बीन एग्जॉस्टेड, आफ्टर विच इट विल नो लॉन्गर एमिट लाइट. दिस कैन टेक एक्सेस ऑफ सेवरल बिलियन ईयर्स. इट इज दैन टर्म्ड एज ब्लैक ड्वार्फ, a cold dark star perhaps replete with diamonds and remains in the stage forever. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो स्टार था वाइट ड्वार्फ, किसको बोला जाता है, जो डाइंग स्टार होता है, ठीक है, उसके बाद एग्जॉस्ट होने लग जाता है और फिर ये जो लाइट है इसको क्या करता है, एमिट नहीं होने देता है. विच इट विल नो लॉन्गर एमिट लाइट, जो ये ज़्यादा देर तक लाइट को एमिट नहीं होने देगा इन फ्यूचर, ठीक है. इस ऐसा होने में उसको क्या लग जाते हैं, सेवरल बिलियन ईयर्स लग जाते हैं. और फिर इस तरह के स्टार को किस नाम के साथ जाना जाता है, ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है. यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है. तो क्या आएगा यहाँ पे, सप्लाई ऑफ एनर्जी हैज़ रन आउट, है ना, कि इट्स सप्लाई ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सप्लाई ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रन आउट हो रही है. तो यहाँ पे भी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग, दे हैव जस्ट रिफ्रेश द कंटेंट. सो वी विल राइट द आंसर फॉर 6th. क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई मार्क करेंगे, इट्स ब्लैक ड्वार्फ.
देन आगे कंटिन्यू करते हैं. व्हेन द लार्जर रेड जायंट्स मैसिव स्टार्स कोलैप्स हो जाते हैं, हैपन हो जाते हैं, इंस्टेंट हो जाते हैं, प्लानिटरी नेबुला क्रिएटेड दैट दिस गैस एंड डस्ट कैन बी यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर प्लैनेट्स इन द डेवलपिंग सोलर सिस्टम. In addition with massive star, as the temperature increases and the carbon atoms get pulled together to form increasingly heavier elements like oxygen, nitrogen and finally iron. तो क्या कह रहे हैं कि जो ये larger red giants हैं, massive stars हैं, ये क्या हो जाते हैं, collapse हो जाते हैं. जब क्या होता है, happen in an instant, ये एकदम से चीज़ें क्या हो जाती हैं, happen हो जाती हैं. सो मच प्लानिटरी नेबुला क्या होता है, क्या करता है नेबुला, क्या करता है, क्रिएट हो जाता है इस गैस और डस्ट के क्लाउड से. तो क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल प्लैनेट्स का बनना शुरू हो जाता है जो डेवलप करता है सोलर सिस्टम को. मैसिव स्टार्स क्या हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, कार्बन एटम्स पुल होते हैं एक दूसरे की तरफ और हैवियर होते हैं लाइक अदर एलिमेंट्स की तरफ. तो यहाँ से हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है. तो आप देख सकते हैं क्विकली को यहाँ पे उन्होंने इंस्टेंट वर्ड के साथ रिप्लेस किया है. अनलाइक स्मॉल मीडियम साइज स्टार्स के बारे में बात करें, सारे ही स्टार्स और एटम्स के उन्होंने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे दी है, तो वो क्या होने लग जाते हैं, 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं. लार्ज रेड जायंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर वो स्मॉल के बारे में बात कर रहे हैं, हैवियर के बारे में बात कर रहे हैं, मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं. सो दे हैव रिफ्रेस द होल 10th सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ. तो यहाँ से जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया. तो 10th क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर आएगा दैट इज कोलैप्स. इट्स COLLAPSE, कोलैप्स. आगे रीड करते हैं. Once this happened, fusion cases and the iron atoms begin absorbing energy. At the same point in the future, this energy is released in a huge explosion called supernova. A supernova have a core temperature of up to dash Celsius. ये temperature के बारे में बात करें, the explosion can light up the sky for weeks, outshining as entire galaxy. Astronomers believe that the Earth is made up of elements. Exploded from super elements formed from the inside of the stars, in particularly red giant that have exploded as supernova. These massive stars have an average lifespan of 1 million years. After becoming a supernova, supernova banne ke baad, the remaining core of the massive star that is 1.5 to 4.5 times massive as the sun becomes a neutron star. To kya ban jata hai, ye ek neutron star ban jata hai. To question number 4th yahan se mera solve hua hai. Sometimes kya hota hai, pulsating waves aa jati hai. Yahan pe bhi wo kya baat kar rahe hain, neutron star banta hai, remaining star hai, starts to spin hai, often emit karta hai yahan pe waves ko. If these waves occur in the pulses, the neutron star is referred to as a pulsar. तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पल्सर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो पल्सेटिंग वेव्स पल्सर के नाम से जाने जाने वाला कौन सा स्टार है, पल्सर स्टार है. तो यहाँ पे न्यूट्रन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th जो हमारा सॉल्व होगा, क्वेश्चन 4th के लिए हम कौन सा लेटर मार्क करेंगे, जी, इट्स न्यूट्रन स्टार. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के सीक्वेंस क्या आई हैं, हमारे पास जंबल आई हैं. व्हेन अ मैसिव स्टार हैज 8 and more times द मास ऑफ द सन, इट विल, तो ये क्या करेगा, इट विल रिमेन मैसिव आफ्टर द सुपरनोवा. ये रिमेन मैसिव, मैसिव मतलब ह्यूज हो जाएगा किसके बाद, सुपरनोवा के बाद. नो न्यूक्लियर फ्यूजन सपोर्टिंग द कोर, कोई भी न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसके कोर को सपोर्ट नहीं करेगा. बिकम एनगल्फ्ड बाई इट्स ओन एनर्जी, दिस रिजल्ट्स इन द ब्लैक होल विच सक्स इन मैनी मैटर ऑफ एनर्जी दैट पासिस क्लोज टू इट. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ जो ब्लैक होल है ये पावरफुल इतना होता है कि ये प्रिवेंट करता है, किस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है, एस्केप ऑफ द लाइट को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और कैन नॉट बी मेजर्ड, और इसको मेजर्ड भी नहीं किया जा सकता है. तो यहाँ पे मैंने इमेजरेबल वर्ड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रीड किया था. तो किस चीज़ को ये इमेजरेबल होने की बात कर रहे हैं, इट्स ब्लैक होल, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल होता है ये प्रिवेंट करके रखता है किसके, एस्केप ऑफ लाइट को, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, मेजर भी नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन 5 यहाँ से सॉल्व हो गया है. तो 5 के लिए ब्लैक होल हमारा आंसर है. तो लेटर क्या मार्क करेंगे इसको, एच यहाँ पे हम मार्क कर देंगे. उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. जो फ्रेज है ब्लैक होल के ओरिजिनेट होते हैं फिजिक्स, जॉन ये व्हीलर है, ये एक एस्ट्रोनॉमर है. बिफोर दिस ब्लैक होल्स वर नोन एज द फ्रोजन स्टार, इससे पहले क्या था, ब्लैक होल्स को फ्रोजन स्टार्स के नाम से जाना जाता था. व्हीलर केम अप विद दिस नेम 2 years बिफोर द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, इससे पहले वो इसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ लेके आता वो इसको इस नाम से जानता था. फर्स्ट ब्लैक होल था, एक्स रे बाइनरी स्टार था, सिग्नस था X1 था इन 1971.
एस्ट्रोनॉमर थिंक करते थे देयर मे बी ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द ईच गैलेक्सी. उनको लगता था कि सेंटर ऑफ ईच गैलेक्सी में ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ से हम क्वेश्चन 11 को देखते हैं. ब्लैक होल क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल जो है उनको क्या करता है, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल स्टॉप करके रखता है लाइट को एमिट होने से. और वो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं जो ग्रेविटेशनल पुल है ब्लैक होल का वो क्या करता है कि वो एस्केप नहीं होने देता है लाइट को. तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल. तो फिफ्थ के साथ ही हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 11th. यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो हम 11th क्वेश्चन को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड करके. नो मोर देन 3 वर्ड है तो आप 2 वर्ड में आंसर लिख सकते हैं. उसके बाद अगर हम 12th क्वेश्चन चेक करते हैं तो किसके बारे में बात हो रही थी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो न्यू जानते थे किस चीज़ की, बिफोर दे वर कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस. तो यहीं पे बात हो रही है एग्जिस्टेंस के बारे में, किसके एग्जिस्टेंस के बारे में, ब्लैक होल की. क्योंकि अर्लियर वो इसको किस नाम से जानते थे कि ब्लैक होल को अनदर नेम से भी वो जानते थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है क्वेश्चन 12 को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यू अबाउट द ब्लैक होल्स. देन आगे है क्वेश्चन नंबर 13, द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इज रियली दैट, कि ये एक ऐसा होता है जो मटेरियल है फॉर्म किससे होता है, एक्सप्लोडेड स्टार्स होता है, मिक्सड विद हाइड्रोजन होता है, यूनिवर्स होता है. दिस मिक्सचर इन टर्न विल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट स्टार. दिस सन इज अ केस पॉइंट कंटेनिंग द डेब्रे फॉर न्यूमरस अदर स्टार्स. किससे बनता है ये, डेब्रे से. डेब्रे क्या होता है, मलबे से, न्यूमरस स्टार के मलबे से जो क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं. ठीक है, बिफोर द सन वॉज बॉर्न. तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया है. प्लैनेट्स जो हैं वो लाइकली टू कंसिस्ट ऑफ, किससे बनते हैं, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, दे हैव रिफ्रेज द थिंग. तो 13 क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर आएगा दैट इज डेब्रे. इट्स DEBRIS, डेब्रे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर रीडिंग इन द सेम वे. Wish you best of luck and stay tuned with us for more informative videos. Bye.